टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिफ्यूजन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन बाय वर्चू ऑफ रैंडम थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है, मीन्स क्या है कि एक आपका जो सोल्यूशन होता है वो किस चीज से मिलके बनता है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से। जब आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में कोई वॉटर है तो वॉटर उसके अंदर जब प्रेजेंट होंगे तो वो मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, दैट मूवमेंट इज नोन एज डिफ्यूजन। वो मूवमेंट किस फेज पे करते हैं? सॉल्यूट मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, आइदर गैस, लिक्विड और सॉलिड। जब आप बात करते हो सॉल्यूट मॉलिक्यूल की, तब आप बात करते हो कंसेंट्रेशन की। जिसकी दिक्कत के अंदर क्या होगा, आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल जितने ज्यादा कंसेंट्रेशन में, वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर, वाटर में आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल जितने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब उस बीकर या उस सॉल्यूशन का क्या है, कंसेंट्रेशन ज्यादा है। कई बार हम सोचते हैं कंसेंट्रेशन से मतलब होता है वाटर का, कि वाटर के कितने अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन नहीं, वाटर के अगर अमाउंट की हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम टर्म यूज करेंगे डाइल्यूशन। हियर वी यूज द टर्म कंसेंट्रेशन। लाइक अब मैं बात करती हूँ एक एग्जांपल की, जो इससे डील करेंगे कि एक मान लो कोई बीकर है, उसके अंदर वाटर है, उस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास, हमने उसके अंदर डाल दिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डाल दिया, कॉपर सल्फेट जो होता है हमने इसको डाला तो इसका ब्लू कलर ये देता है सॉल्यूशन में। तो हमने देखा स्टार्टिंग में इसका ब्लू कलर सिर्फ यहीं पर था जहां पर हमने कॉपर सल्फेट डाला था, आफ्टर सम टाइम पूरे सॉल्यूशन को इसने ब्लू कर दिया। दैट मीन्स क्या था, स्टार्टिंग में आपके जो कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल थे वो यहाँ ज्यादा प्रेजेंट थे, तो इस रीजन में क्या थी, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, और यहाँ पर क्या थी, कंसेंट्रेशन कम थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं था। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करने लग गया, तो इसके मूवमेंट की वजह से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का अपीयर होने लग गया। मीन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन रीजन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट होने लगी, किसकी, आपके सॉल्यूट पार्टिकल की। वॉटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, और कॉपर सल्फेट क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट। किसकी मूवमेंट हुई, सॉल्यूट पार्टिकल्स की। वो मूवमेंट कैसे हुई, वो मूवमेंट होती है थ्रू रैंडम थर्मल मोशन। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर जो खुद की काइनेटिक एनर्जी है ना, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूवमेंट होती है पॉसिबल। तो आपको समझ आ गई डेफिनेशन की, कहां से कहां तक डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, और किस चीज का होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स का। अब नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन प्रेशर। जो आपका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, जो आपका डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है इस सॉल्यूशन के ऊपर, इसको आप बोलते हो डिफ्यूजन प्रेशर। लाइक एक बैलून है, उस बैलून को मैंने क्या है, कंप्लीट फिल कर दिया एयर से, तो क्या क्या है, उस एयर से अगर मैं फिल करती हूँ मतलब वो गैस है, उस गैस की वजह से जितना इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है तो उसकी वजह से ये क्या है, बैलून फुला हुआ है। फिर क्या होगा, मैं इसे नीडल से प्रिक कर देती हूँ, जैसे ही मैंने इसको नीडल से प्रिक किया उसकी वजह से क्या हो गया, बैलून रप्चर हो जाएगा और ये गैस बहुत जल्दी जल्दी निकलेगी यहाँ से। तो ये गैस जिस प्रेशर के साथ यहाँ से निकल रही है इसकी मूवमेंट, वो इसका क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर है। बिकॉज यहाँ पर इस गैस की कंसेंट्रेशन इनसाइड द बैलून क्या है, मोर है, इंक्रीज है, और लेकिन बाहर एनवायरमेंट में क्या है, डिक्रीज है, मतलब बहुत कम अमाउंट में है। तो ये क्या है, एक प्रेशर के साथ में फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू लो कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव कर रही है, तो उसको आप क्या बोलते हो, डिफ्यूजन प्रेशर। अब आपका जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस का क्या होता है, रेट एंड डिफ्यूजन ऑफ प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है, इसी वजह से क्या होती है, आपके डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस
सब्सटेंसेस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं लिक्विड्स हैं वो मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में इंडिविजुअलिटी के साथ करते हैं, इंडिपेंडेंट मैनर में करते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं होती कि ये पर्टिकुलर गैस जाएगी तो मैं साथ में जाऊंगा, नहीं। ऑक्सीजन आपकी अलग से मूव कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से मूव कर सकता है। नोट डाउन इन टू योर नोट बुक। डिफ्यूजन होता है उसकी टाइप्स, डिफ्यूजन मेनली आपका टू टाइप का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और एक आपका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो आपका सिंपल टाइप का डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, लाइक आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन के इस तरफ कोई सब्सटेंस कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है, और इस तरफ क्या है वो मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस ए है वो क्या है, लो अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आप ये क्या है, सेल्फ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से क्या हुआ, यहाँ पर एक कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया हाई टू लो कंसेंट्रेशन का। तो आपका जो सोल्यूट पार्टिकल है वो क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन के थ्रू हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन जहां है वहां से मूव करेंगे लो कंसेंट्रेशन सोल्यूट की तरफ। इसको आप बोलते हो सिंपल डिफ्यूजन। में ये तब तक डिफ्यूज करते रहेंगे तब तक ये दोनों की कंसेंट्रेशन क्या नहीं हो जाती, इक्वल नहीं हो जाती। तब तक ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हाई टू लो कंसेंट्रेशन जब तक मेंटेन रहेगी तब तक डिफ्यूज करते रहेंगे थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये आप डे टू डे रूटीन लाइफ में कहां देखते हो, तो सेल में सेल से गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। जब आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उस टाइम में क्या होगा, सेल के पास क्या होगी, कंसेंट्रेशन कम है तो क्या करेगी सेल, अब यहाँ पर क्या मान लो ब्लड कैपिलरीज है और ये वाला क्या आपका सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। कैपिलरीज के अंदर मान लो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और आपके सेल के अंदर क्या है, लो है, क्योंकि सेल के अंदर पर्टिकुलर रेस्पिरेशन चलता रहता है, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की आपकी क्या है बहुत कम है। तो उसके केस में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज से मूव करेगा सेल के अंदर, ठीक है, और अगर आपकी कंसेंट्रेशन यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा थी तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव करेगी, और अगर यहाँ आपकी कंसेंट्रेशन मान लेते सेल इस सेल के अंदर आपकी कंसेंट्रेशन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है इस वाली सेल के अंदर, तो क्या है हाई है, और इस वाली के ब्लड कैपिलरीज के अंदर आपका क्या है ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम है लो है, तो ये ब्लड आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी यहां से मूव करेगी फ्रॉम सेल टू ब्लड कैपिलरी। तो ये मूवमेंट आप देखते हो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी टाइप का कोई चैनल या कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंट था जो इसको गाइड कर रहा था मूवमेंट करने के लिए, बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये आपके प्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट की सोल्यूट पार्टिकल की फ्रॉम हेयर रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन मूव करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, सोल्यूट पार्टिकल इस चैनल के अंदर से क्रॉस करेंगे, ये सेल टू रिलीज सेल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन में आपको क्या होगा, कुछ स्पेशल टाइप के ग्लोबुलर प्रोटीन यूज होंगे, बट इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन होंगी चीजें। नोट डाउन इन टू। अब आपके क्या होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को, वो मतलब आपका जो कितना स्पीड अप प्रोसेस होगा या कितना स्लो प्रोसेस होगा वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की कैसे होगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करते जाओगे मीडियम का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होती जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर जैसे जैसे तेज होता जाएगा उसकी वजह से क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, तो मॉलिक्यूल उतनी स्पीडली फ्लो करेंगे। सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। अब एक
आपको बताओ, कोई चीज हल्की हो वो जल्दी मूव करती है, भारी हो जो मूव करती है, जो हल्की होती है वो क्या करती है, जल्दी मूव करती है। तो डेंसिटी जो होती है सब्सटेंस मॉलिक्यूल की आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके लिए ग्रहम साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने लॉ दिया था ग्रहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। तो डेंसिटी की आपकी क्या होगा, जितना ज्यादा भारी मॉलिक्यूल का डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन लो होगी। फिर है आपका थर्ड डिफ्यूजिंग मीडियम। डिफ्यूजिंग मीडियम कैसा होना चाहिए, आपका जितना डेंसर डिफ्यूजिंग मीडियम, मतलब डेंसर मतलब मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अगर ऑलरेडी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है तो उसके केस में क्या होगी, आपकी मूवमेंट क्या होगी, आयन की बहुत स्लो होगी। तो क्या है कि जितना हल्का जितना लेसर मीडियम होगा उतनी आपकी मूवमेंट जल्दी फास्टअप होगी, और जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी ही आपकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या होगी, स्लो होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसर मीडियम में स्लो होगा और लेसर मीडियम में फास्ट होगा। फोर्थ आपका डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडिएंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडिएंट का मीन्स क्या है, जो हमने अभी क्या किया था कि एक प्रेशर का ग्रेडिएंट मेंटेन किया था कि एक तरफ तो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है एक तरफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम है, जहां सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उस मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा, मतलब वहां पर आपका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है। तो आपकी मूवमेंट कैसे होती है डिफ्यूजन की मॉलिक्यूल्स की सॉल्यूट की, वो ऐसे होती है हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब आपका जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, उतनी ही आपकी फास्ट मूवमेंट होगी। फिफ्थ है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द डिफ्यूजन, जहां पर आपका डिफ्यूजन हो रहा है उसका उस एरिया का क्रॉस सेक्शन कितना है, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना कम होगा एरिया उतना कम। लेंथ ऑफ द पाथवे, अब किसी पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक जल्दी जाना होगा या इस पॉइंट को यहाँ तक, तो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा पाथवे कम होगा उतना ही वो जल्दी जल्दी मूव करके पहुंच जाएगा, जितना दूर होगा उतना ही उसको टाइम लगेगा। तो आपका लेंथ ऑफ पाथवे कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होगा तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। तो इसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला डिराइव हुआ है एक ही लाइन में, इसको याद करने के लिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन डिफरेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू टेम्परेचर, मतलब अपर ये जो थ्री लिमिट्स है ये जैसे जैसे इंक्रीज करेगी आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगी। लोअर मोस्ट क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इनटू डिस्टेंस। दैट मींस क्या होता है कि जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट और डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही स्लो होता जाएगा। नोट डाउन, अब आपका क्या होता है इंपोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की आपकी इंपोर्टेंस क्या होती है, जो आपकी गैसेस एक्सचेंज होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, और रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की नीड है। तो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिफ्यूजन की वजह से। अब आपका जाइलम जो होता है वो क्या करेगा, कुछ साल्ट्स जो होंगे उनके अंदर उनको कैसे मूव करवाता है, डिफ्यूजन ग्रेडिएंट की वजह से, कि वो जहां पर कंसेंट्रेशन कम है वहां से जहां उनको जरूरत है ज्यादा से, जहां उनको जरूरत जहां कम है वहां पर क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि एक जगह फ्लावर है जैसे उसमें खुशबू आनी स्टार्ट होती है, ऑर्डर आनी स्टार्ट होती है, वो क्या करेगा कि कुछ टाइम के बाद वो थोड़ी दूर तक चली जाएगी। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जहां फ्लावर प्रेजेंट है वहां पर उसकी कंसेंट्रेशन जो मॉलिक्यूल ऑर्डर दे रहे हैं उनकी ज्यादा है, धीरे 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 वो क्या करेंगे अपने हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और वहां तक वो ऑर्डर पहुंच जाएंगे। इसका एक बेनिफिट क्या होगा कि इंसेक्ट अगर वहां प्रेजेंट होगा तो इंसेक्ट को इतनी दूर से भी ऑर्डर आ जाएगी और इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा पोलिनेशन करने के लिए। ऐसे कुछ ना इंपॉर्टेंस है रही है आपकी डिफ्यूजन की डे टू डे लाइफ में। और सॉल्यूट्स एंड आयंस वगैरह की मूवमेंट बेसिकली किसकी वजह से होती है, डिफ्यूजन की वजह से होती है। आप अच्छे से कर लीजिए इस चैप्टर को, नेक्स्ट हम ऑस्मोसिस करेंगे। थैंक यू सो मच।